इसमें वोटिंग कम होने का हमें काफ़ी इसे हम खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि जहां वोटिंग कम हो रही है वहां पे हमें कांग्रेस का दावा मजबूत नज़र आ रहा है। इस चुनाव में वो चीज़ें ला रहे हैं जो आज धरातल में, जैसे कि हिंदू मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर ये कोई बात नहीं कर रहे। आज जो जितना विकास इस पिछले जो 10 साल से पूर्व में जो किया हुआ है, उसके अलावा नया विकास इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इन्होंने राजनीति की है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। शहर गांव के बूथों के साथ में अभी राजसमंद शहर में पहुंचा हूं। नगर पालिका के पुराने भवन में जो बूथ हैं, कलाल वाटी में मैं हूं और यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहां पर क्या रुझान है, इस मोहल्ले के लोगों का किस तरफ रुझान है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। पीरू जी, क्या लग रहा है, किस तरह का उत्साह दिख रहा है, अब तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है? जैसे कि हम आज सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, 7 बजे से हमने जो वोटिंग डाली है और पूरे वार्डवासियों द्वारा वोटिंग करवाई गई है, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बूथ 97 से कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत रही है। और हमने 12 बजे से पहले हमारे वोट बढ़ते 40 से 45% हो चुकी है और हमें पूरा अनुमान है कि हमारा ये 97 नंबर बूथ लगभग हम 70% के ऊपर यहाँ की वोटिंग होगी, जिसमें से 50% से ऊपर कांग्रेस का या लीड मिलेगी यहाँ पर। दूसरी जगह का क्या लग रहा है ऑल ओवर लोकसभा के? सर, ऑल ओवर लोकसभा में ये है कि वोटिंग के ऊपर तो अभी 1 बजे तक 36.75% हुई है। जी सर, इसमें वोटिंग कम होने का हमें काफ़ी इसे हम खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि जहां वोटिंग कम हो रही है वहां पे हमें कांग्रेस का दावा मजबूत नज़र आ रहा है। और इस कारण हमें काफ़ी पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी, उससे हम इस चुनाव में से देखते हुए हम मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और घरों से वोट निकालने में हम सक्षम हैं और वो वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाने में हम जिम्मेदार और हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, वो हमें सामने रिजल्ट आ रहा है। ये ज़्यादा धूप और धूप के कारण या ब्याह शादी के कारण तो वोटिंग कम नहीं हुई थी? नहीं, ब्याह शादी के कारण भी थोड़ी सी तो समस्या हुई है, पर जो कांग्रेस का जो कोर वोट है, जो कांग्रेस को ही समर्पित है, वो 100% कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहा है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से हमारा बूथ भी जीत रहे हैं। कोर वोटर तो कहीं जाने वाले ही नहीं है, आप यहाँ बैठोगे नहीं बैठोगे तो ही वो तो कांग्रेस को ही मिलेगा, लेकिन वो निकल रहा है घर से बाहर। उसके अलावा दूसरे एक्स्ट्रा वोटर को खींचने की जरूरत है? एक्स्ट्रा वोट को हम लेके आए ना, हमारे वोट तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और अभी तक भी वोट पड़ रहे हैं और अभी लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर 10 से 15% और पड़ेंगे वोट, जो चुनाव का दिशा तय कर देंगे कि भाई क्या लग रहा है। ये बदलाव की जो कांग्रेस सोच रही है वो इस राजसमंद लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा? देखिए सर, कोशिश पूरी है और परिवर्तन जरूर होगा, कुछ ना कुछ नया होगा। मुख्य रूप से जैसे राजसमंद की अगर मुद्दे की बात करें तो यहाँ राजसमंद झील, रोड गेज, ये दो बड़े मुद्दे लोकसभा के नज़रिए से देखते हैं। उसमें पहले ब्रॉडगेज की बात करें तो सीपी साहब मनियाणा नादवाड़ा तक ला के छोड़ दी, फिर अभी दिया कुमारी जी आए तो देवगढ़ ले जाके छोड़ दी, आगे जुड़ी नहीं। राजसमंद झील को सदा भरने की बातें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही करते हैं, दोनों ही वोट लेते हैं, लेकिन किसी ने अब तक काम नहीं किया। आप तो ये मुद्दे हमेशा जिंदा ही रहेगा? सर, पिछले 10 साल में यहाँ पर राज दोनों बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा है, हमने हर बार ये मुद्दे उठाए हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर। राजसमंद झील का लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राजसमंद के लिए, जिसमें इन्होंने केवल हमें जनता के बीच में इन्होंने सिर्फ भ्रमित किया है। और जिस बोरगेट की बात कर रहे हो आप, रेल की बात कर रहे हो, वो हमारे पूर्व में जो सांसद थे हरिओम सिंह जी, उन्होंने भी सिर्फ यही हमें जनता को गुमराह करने का काम किया है। और अभी जो दिव्या कुमारी जी थे, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन देकर जनता से वोट लूटे हैं, जबकि धरातल जमीन स्तर पर अभी तो कोई कार्य किया नहीं इन्होंने और आज भी वो की वही स्थिति। आपके भी पार्टी के सांसद रहे 2009 में, तो 2009 में जब सांसद रहे थे तब यानी कि सरकार भी कांग्रेस की थी। जी, सरकार कांग्रेस की थी, जब आप देख सकते थे कि उस टाइम यानी उदयपुर से लगाकर ये गोमती तक 4 लाइन बना, उदयपुर से लगाकर भिलवाड़ा तक
फोर लेन बना, ये कांग्रेस सरकार में कार्य हुआ था। उसके बाद में आप जो राजसमंद की गतिविधि बढ़ी है, चाहे आर के हॉस्पिटल हो, ये सारे कांग्रेस राज में हुआ है। आज जो जितना विकास इस पिछले जो 10 साल से पूर्व में जो किया हुआ है, उसके अलावा नया विकास इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इन्होंने राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की है और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया है। राजसमंद की जनता ठग गई है। इन 10 साल में इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो राजसमंद की जनता को फायदा हो। बस इन्होंने सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर इन्होंने वोट बैंक बनाया है और जो आज जनता उब गई है, आज परिवर्तन होने की तैयारी है और राजसमंद हम चाह रहे हैं कि निश्चित ही इस बार हम कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और विजय जुलूस निकालेंगे। ये धर्म और जाति की बात तो बिल्कुल हो रही है, दोनों ही दलों में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो परसेंटेज बीजेपी का बढ़ रहा है। सर ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद में पता चलेगा कितना बड़ा है, क्योंकि जो पिछले की बात कर रहा हूँ, पिछले इन्होंने राम मंदिर के नाम से वोट लिए, जवानों के नाम से वोट लिए, जो इन्होंने गारंटी दी थी उसमें से एक भी गारंटी बता दो, 2 करोड़ पर साल युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो क्या किसी को मिला है अभी तक? इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, क्या देश में स्मार्ट सिटी बनी है? इन्होंने बहुत सारी ऐसी गारंटी की, लेकिन आज वो इस चुनाव में वो चीज़ें नहीं आ रही है। इस चुनाव में वो चीज़ें ला रहे हैं जो आज धरातल में, जैसे कि हिंदू मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज रोजगार किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, किसान हड़ताल कर रहे हैं, रोडों पे उतरे हुए हैं, ना उनकी सुन रहे हैं। आज बेरोजगार महिला सारे के सारे, आज मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि यानी कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, लेकिन हम उनको कहना चाहते थे, एक समय ऐसा भी था हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जब देश में अकाल राहत पड़ रही थी, उस टाइम अपने सारे जोरात सारे गहने देश के लिए समर्पित कर लिए थे। वो समय कहाँ गया? आपको याद होगा कि मोदी जी ने इस 10 साल में जैसे जनता को लूटा है, सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्ट्रिक बोर्ड का आया, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कितने लोगों ने इनको चंदा दिया है, उस चंदे का खुलासा कैसे है? जैसे कोई टेंडर ले रहा है तो उससे पहले इनको वोट कर रहा है। आज वैक्सीन जो देश में सबसे बड़ी महामारी हुई है, उस वैक्सीन पर इन्होंने चंदा लूट मार किया है। आपको लग रहा है ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों के कारण बीजेपी का वोटर दूसरे दलों से जुड़ेगा? बिल्कुल, जनता सब जान रही है, जनता देख रही है, वोटर सबको पता है और साइलेंट ही वोट होंगे इस बार। इनको जो इनका जिन्होंने ये गारंटी कर रहे ना, वो गारंटियाँ सारी फेल है। इस बार इनकी कोई गारंटी नहीं चलेगी, क्योंकि गारंटी जनता के लिए नहीं है, इनके स्वयं के लिए। कांग्रेस का न्याय पत्र चलेगा ये? बिल्कुल न्याय पत्र चलेगा कांग्रेस का। जो कांग्रेस ने गारंटी दी है वो 100% पूरी करेगी और पहले जो गारंटी दी है वो भी की है। और जितना देश में जो राज में जो जो कार्य हुए है वो सारे आप गिन लो कांग्रेस के राज में। विधानसभा में क्यों आ रहे? विधानसभा में सर हमारे वोटर कहीं ना कहीं भ्रमित हो चुके थे, ठीक है ना। हम कुछ यानी कि टिकट का भी सर इशू रह गया था, हमारे कैंडिडेट का भी इशू रह गया था और एंड मूवमेंट कैंडिडेट थे इस बार भी बाहर के आपके, तो वो इशू नहीं हो रहा है। अब बात ये हो रही है सर कि जनता उब गई है इस, तो हमें कैंडिडेट से उनकी गारंटी से मतलब है, अब योजनाओं से मतलब है कि आखिर क्या किसका मैनिफेस्टो में क्या जनता के लिए फ़ायदा है। हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखिए आप, उसमें जमीन से लेकर मजदूर से लेकर दलित से लेकर आप अपने राजसमंद सीट और देश के चुनाव में क्या कैसे देख रहे हैं परिणाम? सर देश के चुनाव में जहाँ इंडिया गठबंधन है ना, वो 100% इस बार सरकार बनाएगा, यानी कि 150 से 200 सीटें मात्र बीजेपी की आएगी। राजसमंद में भाजपा दावा कर रही है कि 8 लाख से जीतेंगे, ये दावे इनके खोखले दावे हैं, झूठे हैं, क्योंकि दावे करते हैं रोजगार की तरह, ये खोखले वादे इनके और खोखले दावे हैं। ये मुख्य रूप से देखिए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की बात है, मुख्य रूप से इन्होंने कहा है कि भाजपा जो दावे कर रही है वह झूठे हैं, इस बार का चुनाव है, इस बार के परिणाम भी कांग्रेस का दावा है कि चौंकाने वाले आएंगे, बदलाव के दावे भी किए जा रहे हैं। अब जनता किसके पक्ष में वोट दे रही है, कौन नेता चुना जाता है, सरकार भी किसकी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।